लगातार बढ़ते कोरोना के मरीजों की संख्या को देखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा रोज़ाना शाम 6 बजे सभी दुकानों को बंद करने के आदेश जारी किए हुए हैं और इसी कड़ी के तहत सरकार के आदेशों की अवहेलना करने वाले शराब ठेकेदारों के खिलाफ अंबाला के एसपी पी हमीद अख्तर ने बड़ी कार्रवाई की शाम के समय एसपी पी हमीद अख्तर रोजाना की तरह बाजारों का दौरा करने निकले और पुलिस की गाड़ियों की आवाज सुनकर ठेकेदार ने तुरंत ठेका बंद कर दिया लेकिन जैसे ही काफिला निकला तो ठेका दोबारा खोल दिया गया जिसकी सूचना एसपी पी हमीद अख्तर को मिली तो उन्होंने तुरंत एक निजी कार लेकर सीधा ठेके पर पहुंचे और छापा मार दिया एसपी को देखकर ठेकेदार तो मौके से इधर उधर हो गया लेकिन पुलिस ने करिंदो समेत तीन लोगों को हिरासत में लिया है गश्त के दौरान आज मैं खुद ही निकला हुआ था देखने के लिए कि जो ऑर्डर हैं सरकार की तरफ से डिस्ट्रिक्ट प्रशासन की तरफ से कि छः बजे दुकानें बंद कर दी जाएं, उसको चेक करने के लिए अपनी पुलिस टीम के साथ हम निकले हुए थे तो आज हम जब ये गश्त कर रहे थे तो हमें एक इंफॉर्मेशन मिली कि इस तरीके से रेलवे रोड के सामने एक दुकान है बियर की शराब का ठेका है और वो जो है वो टाइम ऑफ होने के बाद भी वो खोल रखा है और लोगों को शराब में बेच रहा है तो इस पर एक जिस सज्जन ने हमें इन्फॉर्मेशन दी थी उसकी गाड़ी में बैठ के अकेला मैं अपने अंगरक्षक के साथ आया इसे चेक करने के लिए तो देखा कि वाकई ये खुला हुआ था और तीन लोग यहाँ पे करिंदे इसके थे उनको अप्रिहेंड कर लिया गया है रोक लिया गया है और बाकी ये जो कंसर्न इलाके के हैं उनको बुला लिया है आगे की जो कार्रवाई लीगल बनती है वो अमल में ला रहे हैं नहीं, तो आगे भी जारी रहेंगे नहीं बिल्कुल जो सरकार के आदेश हैं और बेसिकली जो ये आपदा आई हुई है कोरोना से रिलेटेड और इसमें जो सरकार की गाइडलाइन है जो आदेश आ रहे हैं लोगों से अपील भी है मेरी कि उसको माने और जो शॉपकीपर्स हैं इनसे भी अपील है कि जो गाइडलाइन दिया गया है जो टाइमलाइन दिया गया है जिसमें इनको दुकानें बंद करनी है उसको फॉलो करें उनकी सुरक्षा के लिए और हम चाहते हैं कि वो अपनी जान की सुरक्षा करें और दूसरों की भी जान की सुरक्षा होनी चाहिए यहाँ पर जिक्र करना बेहद जरूरी है कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बीते रोज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिकारियों को सख्ती के आदेश दिए थे और अंबाला एसपी ने पहले ही दिन निजी कार में छापेमारी कर साफ कर दिया कि सरकार के आदेशों को पूरी तरह लागू करवाने के लिए गंभीर है अम्बाला से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट सत्य खबर सत्य सटीक बेबाक